अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप सब ये बात जानते हैं कि जिस तरह से राबिया नम ने निदा यासिर का मॉर्निंग शो छोड़ा, उसके बाद उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सबका यही कहना था कि अगर राबिया नम को पता था तो वो मेकअप रूम से ही क्यों नहीं चली गई। लेकिन राबिया नम की ज़बानी आप खुद सुन लीजिए कि राबिया नम ने क्या कहा और किस तरह से उनके साथ ये सानहा पेश आया। I go to her show like 4 times in a month. कभी भी नहीं होता कि मुझे guest list ना पता हो, but for this show, this person was invited to the show very last minute. क्योंकि इनकी जगह जिस guest ने आना था, I think वो नहीं आई। तो इनको रात को कोई 11-12 बजे lineup किया गया और मैं 2 दिन पहले से I was told के मुझे show में आना है। मैं जब पहुंच गई मेकअप रूम में, वहाँ भी मुझे अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि RY में जो मेल आर्टिस्ट वगैरह होता है उनके मेकअप की जगह अलग है। सही। तो जब मैं व्हेन आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टूडियो और जब मेरा सेगमेंट वाज लाइक 5 मिनट्स अवे, उस वक्त माय मैनेजर टोल्ड मी दैट दिस पर्सन इज आल्सो ऑन द शो। देयर वाज द अलर्ट मोमेंट फॉर मी एंड इट द वेरी सेम मोमेंट आई टोल्ड ऑल ऑफ द टीम मेंबर्स आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द शो। जब आपने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि आप उनके साथ शो में नहीं बैठना चाहती, तो क्या प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप पे प्रेशर था कि नहीं? शायद उनको जो इंटेंसिटी मेरी थॉट्स की इंटेंसिटी थी उसका अंदाजा नहीं हुआ। एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ द पीपल वर सेइंग कि नहीं, आज हम डोमेस्टिक अब्यूज से बात नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं निकलेगा। टू विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये ऑलरेडी इतना बड़ा मसला है, आई कैन नॉट इवन इमेजिन सिटिंग विद दिस पर्सन। बट दिस वॉज लाइक 2-3 मिनट्स का टोटल मेरे पास टाइम था। आई वेंट टू द स्टूडियो विद द थॉट दैट आई विल टॉक टू निदा डायरेक्टली एंड आई विल टेल हर दैट आई विल नॉट सिट विद दिस पर्सन। बट व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो, सिर्फ 10 सेकंड था ऑनर जाने में एंड आई वाज टोल्ड कि आप बैठ जाएं, हम देख लेते हैं। सो आई सैट डाउन ओवर देयर एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल गेट अप एज़ सून एज़ आई गेट अ चांस टू स्पीक। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचा कि पता नहीं मोहसिन का क्या रिएक्शन आया उस वक्त, उसको कैसा महसूस हो? नॉट रियली केयर, आई डिड नॉट रियली केयर। मैं बहुत बहादुर हूं, मैं पठान लड़की हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मोहसिन क्या कहेगा या क्या करेगा या उसको क्या फील होगा, बिकॉज आई नो कि उसकी बीवी को क्या फील हुआ। आई हैव सीन हर ब्रूजेस, शी हैज कम टू माई सैलॉन विद ब्रूजेस, सो आई हैव सीन हर इन दैट सिचुएशन। जब मैं शो पर जाकर बैठी तो उसने मुझसे सलाम किया, मैंने सलाम का नहीं दिया जवाब। मुझे निदा ने कहा कि राबिया मोहसिन सलाम करें, टू विच आई सेड वालेकुम अस्सलाम। आई वांटेड टू रन अवे फ्रॉम देयर। मेरे वो 5 मिनट बहुत मुश्किल थे। आई थिंक निदा मुझसे नाराज है, आई थिंक उनकी टीम के लोग मुझसे नाराज हैं, बट मैं निकलते हुए भी निदा के सामने हाथ जोड़ के निकली हूँ, लाइक दिस इज व्हाट आई डिड एंड आई लव निदा। लोग कह रहे हैं कि नहीं जी आपको ब्रेक में चले जाना चाहिए था या आपको पहले चले जाना चाहिए था, मैं टोटली अग्री करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ, मुझे चले जाना चाहिए था, मुझे वहाँ 2 मिनट भी नहीं बैठना चाहिए था। बट गेस व्हाट, अब जितने भी लोग हैं ना, जितनी भी खवातीन हैं, अब वो तो 2 मिनट भी नहीं बैठेंगी क्योंकि उसको तो पता चल गया क्या करना है।